कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार शाम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे। यहां उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC और कर्मचारी चयन आयोग SSC की सिविल सेवाओं की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट से बातचीत की। 2023 की UPSC प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को है। मुखर्जी नगर में राहुल स्टूडेंट्स के साथ सड़क किनारे एक कुर्सी पर बैठे गए। उन्होंने स्टूडेंट्स से उनकी उम्मीदों और अनुभवों के बारे में पूछा। मंगलवार को राहुल ने दिल्ली के बंगाली मार्केट और चांदनी चौक के बाजारों में गोलगप्पे, चाट और शरबत का लुत्फ उठाया। वे वहां के लोगों से घिरे नजर आए। मालूम हो कि सूरत के एक कोर्ट ने उनके मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मानहानि केस पे सजा पर रोक लगाने की उनकी अर्जी खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने मंगलवार शाम दिल्ली के बंगाली मार्केट और चांदनी चौक के बाजारों में गोलगप्पे, चाट और शरबत का लुत्फ उठाया। वे यहां लोगों से घिरे नजर आए। उन्हें देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए। एक दिन पहले ही वे कर्नाटक में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।